सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है तुहाडा जी एक बार तो फिर अपने यूट्यूब चैनल पर। तो जेकर तुसी पंजाब पुलिस जेल वार्डर की तैयारी कर रहे हो तो उसका फॉर्म जिहड़ा फिल कर चुके हो, तो जेकर तुम जानना चाहते हो कि पेपर किन्ने नंबर का होगा, पेपर चो पास होने लिए किन्ने नंबर जरूरी हैं, तो पेपर कित्थे होगा, जेकर तुहाडा इन्हां तिना क्वेश्चनों चो कोई भी क्वेश्चन आ तो उसका आंसर जानना चाहते हो तो थोड़ा उसका आंसर इस वीडियो मिल जाएगा। इसलिए वीडियो लास्ट तक जरूर दस्यो देखियो। तो ही कैंडिडेट्स रिक्वेस्ट करूँगा कि जे चैनल पर पहली बार आए हो चैनल कर लियो सबसक्राइब, क्योंकि अपने चैनल पर पंजाब पुलिस तो पंजाब पुलिस जेल वार्डर की जी फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करवाई जाती है। तो रेगूलरली अपने जीके दे रीजनिंग के लैक्चर जोड़े आ रहे हैं, तो ना ही पंजाबी करंट अफेयर तो जी कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज है वो तुम्हें करवावे, तो इसलिए चैनल सबसक्राइब जरूर कर लियो। तो चलो जी अज की वीडियो आप शुरू करते हैं। तो सब तो पहले जो मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता कैंडिडेट्स तो कि पेपर जरा किन्ने नंबर का होगा, तो सब तो पहले तो दस दी कि पेपर थोड़ा होगा जरा वो होगा 100 नंबर का, तो उसलिए तो 90 मिनट का जरा समा दिता जाएगा। 100 नंबर का पेपर होगा, 90 मिनट का समा होगा, तो उस जो क्वेश्चन है वो कितों पूछे जाने, क्योंकि कैंडिडेट्स कह रहे हैं कि असी कल्ला साडा पंजाब बुक पढ़ लीए तो साडा जो पेपर है वो क्लीयर हो जाएगा। तो तुम दस दी मैं साडा पंजाब बुक चो तुहाडी जिहड़ी पंजाब जीके आ वो कवर हो सकती है, सारा पेपर नहीं कवर हो सकता, क्योंकि इस पेपर जिहड़ा पंजाब पुलिस जेल वार्डर है जी इस तुहाडे तो जी अपनी जिहड़ी पंजाब जीके पुछी जाऊगी, उस नाल करंट अफेयर तो पुछी जाऊगी, मैथ दे क्वेश्चन पुछे जाणगे, रीजनिंग दे क्वेश्चन आउणगे जी, इंग्लिश आवेगी जी अपनी, पंजाबी आवेगी जी, तो कंप्यूटर की जी बेसिक नॉलेज है वो तुहाडे तो पुछी जाएगी। तो यह सब सब्जेक्ट मिला के इन्हां सारे के क्वेश्चन मिला के 100 क्वेश्चन तुहाडे तो पुछा जाएगा, तो 100 का 100 क्वेश्चन जी एम सी क्यू होगा जी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिदे तुहानू 4 ऑप्शन दिते होणगे तो तुसीं एक ऑप्शन जिहड़ा चूज़ करना होगा। दोबारा रिपीट करदा जी कि पेपर तुहाडा 100 नंबर का होगा, जिस विच जीके करंट अफेयर मैथ रीजनिंग इंग्लिश पंजाबी तो कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज पुछी जाएगी। 100 का 100 क्वेश्चन एम सी क्यू होगा जी, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होंगे, एक ऑप्शन तुसीं चूज़ करना होगा। तो यह जी अपना फस्ट क्वेश्चन जिहड़ा कैंडिडेट्स तो बहुत ज़्यादा बार पूछा जा रहा है व्हाट्सएप से मैसेज कर करके। जेकर गल करिए जी कि सैकेंड क्वेश्चन की, कैंडिडेट्स जिहड़ा मोस्टली ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहे थे कि पास होने लिए किन्ने नंबर जरूरी हैं, तो तुहानू दस्सदा जी मैं कि तुसीं कोई 10th का जां प्लस 2 का जां कोई BA का जां BCOM का BSc का एग्जाम नहीं दे रहे कि तुसीं 80 नंबर का तुहाडा पेपर हो गया तो तुसीं 27 नंबर ले लए तो तुसीं पास हो गए। ये तुसीं गवर्नमेंट जॉब का पेपर दे रहे हो जी, तो तुहानू पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट जॉब का कोई भी पेपर दे रहे हो तो उसकी मैरिट लिस्ट बन जाती है, बल्कि उस पास होना जरूरी नहीं होता। तो इसकी तुहाडी जी 100 नंबर का पेपर होगा, इस तो जिन्ने तुसीं ज़्यादा जिन्नी ज़्यादा तुसीं प्रैक्टिस करोगे जिन्नी ज़्यादा मेहनत करोगे तुहाडे उन्ने ज़्यादा नंबर आ सकते हैं, तो जिन्ने ज़्यादा नंबर आने तुहाडे लिए फायदेमंद आ, क्योंकि जिहड़ी मैरिट लिस्ट आ तुसीं मान लो कि 100 नंबर चों 60 प्लस तो मैरिट लिस्ट जाऊगी जाऊगी, क्योंकि 60 तो प्लस तो जाने जाने नंबर ने, जेकर 60 तो उपर नंबर लै सकते तो तुहाडे चांस ने कि तुसीं मैरिट लिस्ट च आ जाओगे। तो तुहानू एक बार फिर दसना चाहूँगा जी कि पास होना इस नाम नूं, क्योंकि कैंडिडेट्स नूं इह आ कि 100 नंबर का पेपर है असीं जे 35 नंबर लै लाँगे तो शायद पास हो जाएंगे। तो इसकी जी मैरिट लिस्ट बनेगी, तो मैरिट लिस्ट दे तुहानू मैरिट लिस्ट सब नूं पता ही है कि मैरिट लिस्ट जिहड़ी किवें बनदी हुंदी है। तो कैंडिडेट्स नूं रिक्वेस्ट करूँगा कि अपनी 100% दो, चंगी मेहनत करो, तो अपने जिहड़े जिन्ने ज़्यादा नंबर तुसीं लै सकते हो वो तुहाडा ही बेनीफिट आ, तो इसलिए ज़्यादा तो ज़्यादा जिहड़े अपने नंबर लैण की कोशिश करो, क्योंकि मैरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग ही है जिहड़ी तुहाडी सिलैक्शन होवेगी। नैक्सट क्वेश्चन जिहड़ा ज़्यादा पूछा जा रहा है कैंडिडेट्स तो कि पेपर जिहड़ा कित्थे होगा, क्योंकि कैंडिडेट्स अलग अलग डिस्ट्रिक्ट तो ने, तो उन्होंने ये है भी साड़ी होम डिस्ट्रिक्ट ही थानू मिलेगी जब अलग मिलेगा। तो तुहानू दस्सदा जी मैं कि लखां की गिनती जिहड़े पंजाब पुलिस जेल वार्डर के फॉर्म आ जी, लखां की गिनती कैंडिडेट्स ने अपलाई किया जी, तो यह पॉसीबल नहीं होगा कि किसी एक डिस्ट्रिक्ट जिहड़ा जी इसका पेपर लिया जाए। तो तुहानू दस्सदा जी दस्सदा जी कि घट्टो घट्ट जिहड़ा एग्जाम सेंटर है जी तुहाडा एग्जाम सेंटर 10 जिहड़ियां डिस्ट्रिक्टां बनणगियां 10 तो ज़्यादा बन सकदियां ने, तो डिस्ट्रिक्ट कहड़ियां बनणगियां जी, जिवें कि पटियाला हो गया जी, लुधियाना हो गया, जलंधर हो गया, बठिंडा हो गया, इस तरह के जिहड़े थोड़े वड्डे शहर ने जिहड़े खास शहर ने उह जिहड़े डिस्ट्रिक्ट ने उह तुहाडे जिहड़े एग्जाम सेंटर बनाए जा सकते हैं। तो जेकर बच्चों की गिनती मतलब जो कैंडिडेट्स एग्जाम देने वाले 5 लाख तो ज़्यादा होए तो शायद हर एक डिस्ट्रिक्ट जिहड़ा एग्जाम सेंटर बना दिता जाए, तो यही तो चांस ही है कि 10 तो जिहड़ियां डिस्ट्रिक्ट बनणगियां तुहाडा जिहड़ा एग्जाम सेंटर आ मेन जिहड़े अपने डिस्ट्रिक्ट ने तुहानू दस्सिया कि लुधियाना पटियाला बठिंडा जलंधर इस तरह दियां डिस्ट्रिक्ट ने उन्हां 'च तुहाडा पेपर होण दे ज़्यादा संभावना ने। तो उम्मीद करदा जी जिहड़े 3 क्वेश्चन सी कैंडिडेट्स दे मोस्टली उहनां दे आंसर तुहानू मिल गए, तो जेकर इस तों इलावा तुहाडा कोई क्वेश्चन आ
किसी भी प्रकार का जो पंजाब पुलिस जेल वार्ड के रिगार्डिंग हो जी वो तुसी कमेंट करके जरूर पूछो जी। जेकर तुहाडा पंजाब पुलिस के रिगार्डिंग क्वेश्चन आ तां ही तुसी क्वेश्चन पूछो जी। तो क्वेश्चन तुसी सिर्फ कमेंट करके पूछना जी, वट्सएप पर मैसेज ना करो जी, क्योंकि वट्सएप पर बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स के मैसेज आते रहते हैं तो उसका छेती रिप्लाई नहीं हो सकता, तो कैंडिडेट्स थोड़ा कहते हैं तुसी लेट रिप्लाई करते हो या मैसेज नहीं देखते, तो इसलिए रिक्वेस्ट करूँगा कमेंट कर दो, कमेंट तुहाडा रिप्लाई मिल जूगा। तो इस नाल तुहाडे तों इंतहा विदा जी, जल्द मिलांगे नैक्सट वीडियो 'च।